नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। देर शाम कांग्रेस की सूची जारी हुई और रीवा की एक बहुचर्चित विधानसभा सीट देवतला विधानसभा सीट से पद्मेश गौतम को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। जिला पंचायत चुनाव से चर्चा में आए और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चला, आखिरी दौर में एक नाम पर सहमति बनी और वो नाम पद्मेश गौतम। कितनी बड़ी चुनौती। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके माध्यम से यह देवतला क्षेत्र की जनता जनार्दन को यह बताना चाहता हूँ कि मेरा मानना यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और रीवा जिले की आठों सीटें हम लोग जीत कर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पद्मेश जी, जिस दौर में ये चीज़ें चल रही थी पिछले तीन दिन, बड़ा जितने भी प्रत्याशी थे, जो दावेदार थे, सबके लिए बड़ा कठिन था। कभी इसका नाम चल रहा, कभी उसका नाम चल रहा, एक कठिन समय। लेकिन समय अब जब चुनाव लड़ने का मिला, बहुत कम दिन बचे हैं, कैसे कितना टफ मानते हैं और कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनाव तो हमेशा सबके लिए चुनौती होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर हम लगातार 5 साल से क्षेत्र में बने हुए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह समस्या तब खड़ी होती है कि जब अचानक से हम मैदान में उतरें और हमारे पास कम समय हो। मेरा मानना यह है कि हम लोगों ने लगातार उस क्षेत्र में काम किया है और निश्चित तौर पर इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को ज़रूर मिलेगा। जिला पंचायत का चुनाव राहुल गौतम से आप जीते, विधानसभा अध्यक्ष पावर में हैं अब चूंकि आचार संहिता है, और दूसरी बात परिवार के ही सदस्य, कितनी बड़ी चुनौती इस बात की, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव के समय देखा था कि जो राजनीतिक टकराव थे वो अपने उफान पर थे, अब सामने चाचा हैं और इधर भतीजे हैं, क्या परिस्थितियां? बिल्कुल, यह विचारधारा की लड़ाई है। मैं पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। मैं क्षेत्र में लगातार देवतला विधानसभा में किसी न किसी रूप में पिछले 15-20 सालों से लगातार लोगों के संपर्क में हूँ। मेरा यह मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष जी के जो क्रियाकलाप थे, चाहे जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे पंचायत के चुनाव के समय लोगों ने भली भांति उनका चेहरा देखा है और जनता ने उसका एक निर्णय कर दिया था। मेरा तो ऐसा मानना है कि महाभारत का युद्ध, विराट का युद्ध पहले ही हो चुका था और कुरुक्षेत्र का बाकी है, तो वो भी सामने आ गया है। देवतला विधानसभा के तमाम बड़े मुद्दे, जो मुद्दे हैं जो प्रासंगिक हो रहे थे, उनकी क्या स्थिति है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच जाएंगे? देखिए, देवतला में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात तो वहाँ यह है उस क्षेत्र में कि एक भय का वातावरण निर्मित कर रखा है शासन पक्ष के लोगों के द्वारा, एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। उस भय के वातावरण को दूर करना सबसे पहली प्राथमिकता है। और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे देवतला को तहसील का दर्जा दिला, वो देवतला को नगर पंचायत का दर्जा जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए नहीं कर पाए, तो इस तरह के कई बुनियादी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। कई दावेदार थे हर पार्टी में, स्वाभाविक है सबकी दावेदारी, अब जब आपका टिकट हो गया, कैसे सबको साथ मिलेंगे? नहीं, हम सब साथ में हैं। मेरा यह मानना है कि टिकट मांगना सबका अधिकार है। जो भी कार्यकर्ता पार्टी में काम करता है वो स्वाभाविक है अपनी अपेक्षा रखता है पार्टी से, पर टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलता है। और मेरा यह मानना है कि टिकट मिलने के बाद पूरी पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ेगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। जिला पंचायत चुनाव की तहसील अलग होती है, आप अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दोनों में बड़ा अंतर होता है। और आप कह रहे हैं कि सत्ता संगठन उनके साथ है और उसका भी एक असर देखने को मिलेगा, इतनी मजबूत टीम है कि इस तरह से कांग्रेसी लड़ पाएंगे उनसे? मैंने आपसे पूर्व में ही निवेदन किया कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत मजबूती के साथ जमीन पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का भी संगठन पूरी मजबूती के साथ तैनाती से खड़ा हुआ है। और रही मेरी व्यक्तिगत बात, तो लगभग मैंने आपसे पहले ही बताया कि पिछले 15-20 वर्षों से लगातार मैं इस विधानसभा में संपर्क में हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार की समस्या वहाँ नहीं जानी चाहिए। तो ये हमारे साथ पद्मेश गौतम थे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने देवतला विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएगी और कांग्रेस इस बार ये सीट जीत करवाएगी।